नमस्कार, वीएसके वाज न्यूज में आपका स्वागत है। और आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं मेरठ के कट्टर कांग्रेसी नेता देशपाल सिंह गुज्जर जी से और पूछते हैं उनसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सर, सबसे पहला प्रश्न ये है कि कांग्रेस सरकार बिल्कुल इस टाइम डाउन पड़ी है, हर जगह डाउन है कांग्रेस। तो क्या भाजपा सरकार का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना पूरा होता जा रहा है? यह कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि कांग्रेस पूरी देश की आत्मा में बसती है। पूरी देश के जो एकता का जो पाठ पढ़ाती है कांग्रेस ही पढ़ाती है, और कांग्रेस के बिना पूरी देश की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अतः बीजेपी का यह कहना कि यह कांग्रेस को जो है समाप्त कर देगी, असंभव है। बीजेपी ही समाप्त हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस निश्चित रूप से पूरे भारतवासियों के हृदय में बसती है, और कांग्रेस निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी और देश में फिर से विजय प्राप्त करेगी। सर, अभी दिल्ली में जो आयोजित हुई थी कांग्रेस पार्टी की, महंगाई बेरोजगारी को लेकर जो हल्ला बोल किया गया था, उसमें जो राहुल गांधी जी आए थे और उन्होंने भाषण दिया था, तो उनका एक वाक्य है कि आटे को लीटर में जो है लेते हैं, इस पर काफी मजाक बनाया गया सोशल मीडिया पे। तो ऐसी गलती राहुल जी क्यों करते हैं और क्या कारण है इसका? ये सब काल्पनिक बातें होती हैं। जब कभी कभी हरा प्रभा आदमी बोलता है, कई बार थोड़ी माइनर मिस्टेक जो है जबान इधर जाती है, उसमें कोई अनजाने से ये गलती हो जाती है। उसमें ये दोबारा से उन्होंने 3 सेकंड के अंदर दोबारा से के जी बोल दिया था। तो इस प्रकार की गलतियां जो प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, या अन्य लोग भी इतनी ज्यादा गलती कर चुके हैं, चीज इनकी जो सोशल मीडिया पर अनेक वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो राहुल गांधी जी के मन में क्या है वो असली विश्वास उसको देखना चाहिए। केवल एक वर्ड को ही नहीं देखना चाहिए कि एक वर्ड लीटर या किलोग्राम में कोई फर्क हो गया। वो सब कुछ जानकारी है, उन्होंने विद इन सेकेंड से उसको बिल्कुल दूर कर दिया और फिर दोबारा से उसको किलोग्राम ही बोला। तो अतः राहुल गांधी जो बोलते हैं मन से बोलते हैं, हृदय से बोलते हैं, और देश को जो है प्यार से जीतना चाहते हैं राहुल गांधी जी। अभी सर 17 अक्टूबर को जो है पार्टी के अध्यक्ष को लेके बात कही जा रही है, तो क्या फिर से आप राहुल गांधी जी को ही अध्यक्ष बनाओगे? हम सब जितने कांग्रेस के जन हैं सब चाहते हैं कि राहुल गांधी ही अध्यक्ष बने। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ही यह देश जो है बीजेपी से लड़ सकता है। पूरे देश में जो लड़ रहा है बीजेपी से, केवल राहुल गांधी जी ऐसे हैं जो लड़ रहे हैं। हमेशा राहुल गांधी ही लड़ने के लिए दिखाई देते हैं कि बीजेपी से लड़ रहे हैं, और वह डरते नहीं है। पूरी देश की सारी बातें जो उन्होंने सच बताई है, चाहे कोरोना के बारे में बताई हो, चाहे अर्थव्यवस्था के बारे में बताई हो, चाहे बेरोजगारी के बारे में बताई हो, सारी बातें बिल्कुल सत्य है। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि सर अब कांग्रेस पार्टी को जो है भारत जोड़ो आंदोलन की करने की जरूरत पड़ रही है? तो ऐसी भारत जोड़ो आंदोलन केवल कांग्रेस की जरूरत नहीं है, पूरे देश की आवश्यकता है। भारत देश में हम देखते हैं घृणा का वातावरण फैला हुआ है, जिस प्रकार से देश को विघटनकारी तत्व जो है विघटन कर रहे हैं। तो देश को जोड़ने के लिए, पूरे देश को भाई से भाई को जोड़ने के लिए कांग्रेस और भारत देश पुनः विजय प्राप्त करेगा, और प्यार का पूरा देश में जो है हर जगह प्यार प्यार ही प्यार होगा। सर, भाजपा सरकार का सबका साथ सबका विकास, क्या वो पूरे कामयाब हो चुके हैं कि भाई सही कर रहे हैं, महंगाई भी नहीं है देश में? भाजपा में केवल दो जो है, हम दो हमारे लोग, अडानी और अंबानी दो उद्योगपति हैं, उनके जो है कहने से ही हमारे प्रधानमंत्री और जो है पूरी कैबिनेट जो है निर्णय ले रही है। पूरे देश के अन्य लोग सभी दुखी हैं, सबके जो है 80% लोगों की निश्चित रूप से आमदनी घटी है। क्या 2024 में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे? राहुल गांधी जी सदैव जो है प्रधानमंत्री का चेहरा था, प्रधानमंत्री ही बनना होता, वो 2004 में बन जाते, और यदि 2009 में तो उनको कोई रोक ही नहीं रहा था। मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि आप प्रधानमंत्री बनिए, और उस समय निश्चित रूप से प्रधानमंत्री बन सकते थे। तो राहुल जी जो है जिस प्रकार का निर्णय राहुल जी लेते हैं वह देश का निर्णय होता है, और देश के लिए निर्णय लेते हैं। हमारी कांग्रेस के सर्वमान्य नेता राहुल गांधी जी हैं, और हमें उन्हें प्रधानमंत्री से भी ऊपर अपना पद का दर्जा देते हैं। नीतीश कुमार जी की बात चल रही है सर कि वो प्रधानमंत्री के लिए दावेदारी कर सकते हैं, तो इस विषय में आपका क्या कहना है? नीतीश कुमार जी बार बार कह चुके हैं कि मैं कैंडिडेट नहीं हूं, मैं केवल सभी देश को जीतने के लिए सभी विपक्षी पार्टियों को इकट्ठा कर रहा हूं। वो है उनका निर्णय है, वह उन्होंने अनेक बार इस बात को दोहराया है। तो भाजपा सरकार सर विकास नहीं कर रही क्या इस टाइम? भाजपा केवल जो है अपना विकास कर रही है, केवल बेईमानी का विकास हो रहा है, बलात्कारियों का जो है महिमा मंडन हो रहा है। निश्चित रूप से देश जो है पीछे की ओर जा रहा है, अर्थव्यवस्था बहुत पीछे हो चुकी है भारत की। भारत की जितने भी किसी भी गांव में किसी भी कस्बे में जाकर पूछो तो निश्चित रूप से आमदनी घटती जा रही है, और किसान और नौजवान बहुत ज्यादा दुखी है इस शासन काल में।
लेकिन सर गरीबों को आवास दिए गए हैं और बड़े बड़े रोड बनाए गए हैं और हर जगह धार्मिक पर्यटन में विकास किया गया है, तो जो भी रोड बनाई गई है उसका टैक्स जो है भारतीय जनता दे रही है, सब ये जगह टोल लूटा जा रहा है, तो ये इनका ये विकास का जो दावा खोखला है। इस प्रकार से सड़कों का जो कहते हैं उसमें ये बिल्कुल खोखला है, जो आवास बनाए गए उसमें जो है बहुत ही ज्यादा आप ध्यान देखोगे किस प्रकार की क्वालिटी जो है इस्तेमाल की गई है, और निश्चित रूप से हम देखते हैं कि यह भी विकास जो कर रहे हैं झूठ का विकास है इनका। जगह जगह सर देखा जा रहा है कांग्रेस पार्टी में जहां राहुल गांधी जी सामने आते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, तो वहां चुनाव हारते हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है? चुनाव हारना एक झूठ के द्वारा कई बार जो है हमारी जनता जो है गुमराह हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे जनता जान रही है और निश्चित रूप से बीजेपी को पराजय का सामना करना पड़ेगा, कांग्रेस पुनः जीतेगी। 2024 में आपका कहना है कि कांग्रेस सरकार दोबारा से सरकार बनाएगी? कांग्रेस जो है जीती पड़ी है, लेकिन मैं दो चीजें कहना चाहता हूं कि धन बल भाव बल ईवीएम बल तीन बल यदि हटा दें तो निश्चित रूप से बीजेपी की 50 सीट भी आएंगी नहीं पूरी लोकसभा सीट में पूरे देश से। बहुत बहुत धन्यवाद सर।